हेलो गाइस, टुडेज टॉपिक इज फिबोनाची हीप। फिबोनाची हीप को जानने से पहले हम लोगों ने बाइनोमियल हीप को पढ़ा था, और बाइनोमियल हीप इज अ कलेक्शन ऑफ द बाइनोमियल ट्रीज। सो बाइनोमियल हीप का हम यूज करके फिबोनाची हीप के बारे में करेंगे। एंड द फिबोनाची हीप, सो व्हाट इज फिबोनाची हीप? अ फिबोनाची हीप इज वन ऑफ द टाइप ऑफ हीप डेटा स्ट्रक्चर। इट इज अ कंसिस्ट ऑफ फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज एंड it is better than the binomial heap in learning time. Binomial heap से Fibonacci heap हमारी better है learning time में. And the trees in the Fibonacci heap is satisfying minimum heap order property. जो हम लोग यहाँ पर Fibonacci heap का use कर रहे हैं, इसमें जो trees हैं वो minimum heap property को satisfy करते हैं. Okay? Then next point is potential of Fibonacci heap. How to find the potential of Fibonacci heap? So potential of Fibonacci heap find करने के लिए हमारे पास एक formula है। वो formula क्या है? Formula is potential equals to T of tree plus 2 into M of tree. मीन्स एक पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए पहले हमें नंबर ऑफ ट्रीज पता होनी चाहिए हीप में, एंड प्लस 2 इंटू मार्ग नोड ऑफ ट्रीज, वेयर टी ऑफ ट्री इक्वल्स टू क्या है? नंबर ऑफ ट्रीज इन हीप, एंड एम ऑफ ट्री इज मार्ग नोड इन द ट्री। सो वी कंसीडर द फॉलोइंग फिबोनाची हीप शोन इन फिगर। जो हमारे पास ये फिगर गया है, हम इसके थ्रू इस पोटेंशियल को फाइंड करेंगे। तो पहले हमारे पास क्या है, पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए टी ऑफ ट्री, तो मीन्स पी ऑफ एच इक्वल्स टू टी ऑफ एच प्लस 2 इंटू एम ऑफ एच। तो टी ऑफ एच मीन्स कितने नंबर ऑफ ट्रीज हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। इट मीन्स जो हमारे पास ट्री ऑफ हीप है, मीन्स नंबर ऑफ ट्रीज एंड हीप हैं, वो कितने हैं? 3। इसलिए देखिए जो नंबर ऑफ ट्रीज हमारे पास कितने हो गए यहाँ पर, 3। एंड इसके बाद दूसरी पॉइंट क्या था हमारे पास, मार्ग नोड। और मार्ग नोड हमारे पास कौन से हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। इट मींस 2 मार्ग नोड। अब इस फॉर्मूले को देखते हैं हम लोग, तो पोटेंशियल ऑफ हीप इक्वल्स टू 3 प्लस 3 मींस नंबर ऑफ ट्रीज 3 और नंबर ऑफ मार्ग नोड इज 2। तो 3 प्लस 2 इंटू 2 इट मींस 3 प्लस 4, दैट मींस 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 7। तो पोटेंशियल ऑफ दिस हीप इज 7। तो हम इस तरह से इसके पोटेंशियल को फाइंड कर लेंगे फिबोनाची हीप को, और जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा फिबोनाची हीप कितना यूज है। देन नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ फिबोनाची हीप। अब फिबोनाची हीप तो हमें पता चल गया, लेकिन अब उसका स्ट्रक्चर कैसा है? उसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे इट्स अ कलेक्शन ऑफ मिनिमम हीप ऑर्डर ट्रीज। जो एक स्ट्रक्चर है फिबोनाची हीप का, वो एक कलेक्शन है मिनिमम हीप ऑर्डर ट्रीज का। जैसे बाइनोमियल हीप में हम लोग मिनिमम ऑर्डर को यूज करते थे, सेम यहाँ भी मिनिमम हीप का यूज करके हम लोग उसके कलेक्शन को यूज करते हैं फिबोनाची हीप में। इन फिबोनाची हीप द ट्रीज आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली बाइनोमियल ट्रीज। हम लोग जब बाइनोमियल हीप का यूज करते हैं, तो वहाँ पर बाइनोमियल ट्रीज का हमारे पास रिस्ट्रिक्शन होता है कि B2 इट मींस 4 नोड, B1 इट मींस 2 नोड, सेम B3 इक्वल्स टू 8 नोड। लेकिन इस केस में यहाँ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन बाइनोमियल व इन फिबोनाची हीप। मींस जैसे आप यहाँ देखिए, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो कितना है, B2, इट मींस बाइनोमियल ट्रीज है B2। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है बाइनोमियल ट्रीज की तरह। यहाँ पे हमारे पास नोड कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और अगर बाइनोमियल ट्रीज की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास या तो 4 होंगे या फिर 8 होंगे। तो यहाँ पे मीन्स फिबोनाची हीप हैव नो रिस्ट्रिक्शन टू बाइनोमियल ट्रीज। ओके, देन नेक्स्ट इज फिबोनाची हीप में क्या पॉइंट होते हैं हमारे पास, सेट ऑफ हीप ऑर्डर ट्रीज। सेट ऑफ हीप ऑर्डर ट्रीज का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये है एक पूरा सेट है जो हमारे पास मिनिमम हीप को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड देन फिबोनाची हीप में हमारे पास क्या होना चाहिए, मेंटेन पॉइंटर टू
मिनिमम एलिमेंट, मतलब फाइंड मिनिमम हमें इजीली हमें पता कर लेना चाहिए, उसे पॉइंटर को पॉइंट करना चाहिए। एंड सेट ऑफ मार्ग नोड, नोड जितने भी हमारे पास मार्ग नोड है उनको सेट होना चाहिए। ओके तो फॉर एग्जांपल हम हमारे पास ये एक एग्जांपल गिवन है, हम इस एग्जांपल के थ्रू इसे समझ सकते हैं, जिसमें हमारे पास 23 एंड 7 एंड 17 एंड 24 ऑल आर द रूट नोड। ओके और एक पूरा ये जो सेट है पूरा एक हेड है, और उस हेड में जो 3 है वो मिनिमम हीप की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, सेटिस्फाई करता है, इसलिए हमारे पास ये क्या है मिनिमम हीप। ओके तो ये हमारे पास क्या था स्ट्रक्चर ऑफ फिबोनाची हीप। अब फिबोनाची हीप को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन में क्या हमारे पास रिप्रेजेंट ट्रीज यूजिंग लेफ्ट चाइल्ड राइट सिबलिंग पॉइंटर्स एंड सर्कुलर और डबली लिंक लिस्ट। हमारे पास क्या होता है, एक तो लेफ्ट चाइल्ड राइट सिबलिंग पॉइंटर और उसका सर्कुलर मीन्स पूरा घूम रहा होता है एंड डबली लिंक लिस्ट मतलब बोथ साइड लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड से ये हमारे पास यूज में रहता है। एंड द रूट्स ऑफ द ट्रीज कनेक्टेड विद सर्कुलरली डबली लिंक लिस्ट, जो भी रूट्स ऑफ द ट्रीज हैं वो हमारे किस तरह से सर्कुलरली, जो भी हमारे पास रूट ऑफ द ट्रीज हैं कनेक्टेड विद सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट इसके साथ कनेक्टेड रहते हैं। देखिए इधर साइड में भी जा रहा है और दूसरी साइड में भी जा रहा है, तो बोथ साइडेड हमारे पास लिंक लिस्ट रहती है जो हमारे पास फास्ट यूनियन को रिप्रेजेंट करती है। एंड पॉइंटर टू रूट ऑफ ट्री विद मिनिमम एलिमेंट, और जो मिन एच है, जैसे आप अगर मिन एच को देख पा रहे हो तो हमारे पास यहाँ पर ये मिन एच जो है वो आपके मिनिमम हीप की प्रॉपर्टी को ध्यान रखते हुए जो ट्री का मिनिमम एलिमेंट है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके तो हम लोग इस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड देन फिबोनाची हीप का नोटेशन, हाउ टू नोट नोटेड ऑफ फिबोनाची हीप, किस तरह से हम फिबोनाची हीप को नोट कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हमारे पास, जिनमें से हमारे पास मेन पॉइंट है एन, एन मीन्स नंबर ऑफ नोड्स इन द हीप। नंबर ऑफ नोड्स का मतलब काउंटिंग कर लें हमारे पास कितने नोड हैं, 1 2 3 4 5 देन 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इट मीन्स नंबर ऑफ नोड्स इन हीप इज 14। तो 14 नोड्स हैं जो हमारे पास नंबर ऑफ नोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड सेकेंड पॉइंट इज रैंक ऑफ एक्स, इट मीन्स नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ नोड एक्स, मतलब किसी भी एक नोड को यूज करेंगे तो उसकी जो रैंक होगी उसका नंबर ऑफ चिल्ड्रन होंगे। एंड थर्ड पॉइंट इज रैंक ऑफ एच, इट मीन्स मैक्सिमम रैंक ऑफ एनी नोड इन हीप एच, तो इस पूरे हीप में जो मैक्सिमम रैंक जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कौन सा कर रहा है, ये वाला नोड। इट मीन्स जो उसकी मैक्सिमम रैंक जो है वो कितनी है हमारे पास 3, इससे मैक्सिमम कोई भी रैंक नहीं है। ओके देन नेक्स्ट इज ट्री ऑफ एच, इट मीन्स नंबर ऑफ ट्रीज इन हीप एच, तो नंबर ऑफ ट्री कितने, 1 2 3 4 एंड 5, इट मीन्स 5 नंबर ऑफ ट्रीज जो हैं हमारे इस हीप में हैं, तो जो हमने यहाँ पर नोट किया ट्री ऑफ हीप इक्वल्स टू 5। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज मार्क्स ऑफ हीप, मार्क्स ऑफ हीप में नंबर ऑफ मार्क नोड इन हीप एच, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मार्क नोड हैं वो कितने हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जो हमारे पास यहाँ पर जो कलरफुल नोड हैं वो हमारे मार्क नोड हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पर 18 नंबर का दिख रहा है, जो 18 नंबर है वो मेरा एक मार्क नोड है, ऐसे 39 एंड 26, इट मीन्स 3 मार्क नोड है, तो मार्क्स ऑफ एच इक्वल्स टू 3। तो इस तरह से हम इसे फिबोनाची हीप को नोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके थैंक यू, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें।